अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 150। और आज के लेसन लास्ट लेसन हमारा ऑटो कैड मैकेनिकल एंड 3D मॉडलिंग का, और इसके बाद हम इंशाल्लाह ऑटो कैड 3D सिविल एंड 3D आर्किटेक्चर पे काम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ तक एक प्रोफेशनली आपने ऑटो कैड सीखा होगा और आप 3D मॉडलिंग कर लेते होंगे। तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल साथ हाज़िर होंगे जिसमें हम वेब डिज़ाइनिंग के, और उसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग के अलावा सी प्लस प्लस के और ऑटो कैड में ऑटोडेस्क के जो सॉफ्टवेयर हैं, 3D स्टूडियो मैक्स, ऑटो कैड 3D सेवल एंड ऑटो कैड नॉर्मल जो जिसपे हमने काम करना है, 3D में हम होम डिज़ाइन वगैरह करेंगे, उसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ब्रिज वगैरह क्रिएट करेंगे, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो हमारे पास मैटलैब सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे, और ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल के ऊपर भी काम करेंगे। तो आज के जो लेसन लास्ट लेसन है इसमें हम फिलामेंट जो हमने कल जो हमने इसे प्रीवियस लेसन में एक 3D बल्ब डिज़ाइन किया था, तो उसका जो फिलामेंट रॉड है वो हमने नहीं डिज़ाइन किया था, तो आज हम वो डिज़ाइन करते हैं और इसको हम अलाइन करते हैं अपने बल्ब के साथ। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। कल के लेसन में हमने ये चीज़ क्रिएट की थी और आज के लेसन में हम इस पर और भी काम करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या करना है आपने, कि आप यहाँ से इस पर, मैं इसको टॉप व्यू में जाता हूँ, ये टॉप व्यू, इसको थोड़ा सा आप रोटेट करें ऐसे। ओके, अब इस पर जो काम करना है क्या है कि इसको आप हाइड करें। हमने क्योंकि लेयर बनाई थी, आपको शायद याद हो, हमने लेयर बनाने के बाद इसको यहाँ से आप जो है तो फ्रीज ऑफ कर दें इसको, यहाँ से ये जो लाइन है इसको डिलीट करता हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो आप ये नज़र आ रहा होगा, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ से शेल कमांड हमने यूज़ करनी है यहाँ पे। तो शेल कमांड पे आप शेल पे क्लिक करें, अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसका फेस सिलेक्ट करें। फेस सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो होगा, सिलेक्ट करें और यहाँ से आप थोड़ा सा रोटेट करके आप इसका यहाँ से फेस सिलेक्ट करें। फेस सिलेक्ट हो गया। अब फेस सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, फेस सिलेक्ट करने के बाद आपने स्पेस प्रेस करना है और यहाँ पे अपने 0.3 एंटर करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे आप देखें शेल हमारे पास अप्लाई हो गया, अंदर से बिल्कुल खाली हो गया, जो कि हमारे पास फिलामेंट रॉड के लिए काम आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया, कंट्रोल जेड करता हूँ वापस, क्योंकि जब हमने सेलेक्ट, जब हमने शेल यूज़ किया था शेल कमांड, तो आई थिंक यहाँ से पीछे से ये भी सिलेक्ट किया हुआ था इसका, तो ये सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, दोबारा मैं शेल कमांड यूज़ करता हूँ, उसका साइज 0.5 दूंगा। शेल कमांड पे क्लिक करें, सिलेक्ट करें इसको और मूव करके यहाँ से आप इसको, ये जी स्पेस 0.5 कर दें एंटर। अब सही, क्योंकि 0.3 किया था तो शायद यहाँ से स्पेस का कम था, तो इस वजह से ये खाली हो गया था। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया यहाँ तक। अब दोबारा आप यहाँ से लेयर में जाएं और लेयर में जाके आप यहाँ से अपनी लेयर को ऑन कर दें। ओके, अब जो काम करना है क्या करना है, इसको आप टॉप व्यू में लेके जाएं, टॉप व्यू में लेके आता हूँ, और यहाँ पे फिलामेंट रॉड हमने ड्रॉ करना है। तो फिलामेंट रॉड ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से एल एंटर करूँगा, एल एंटर, एल एंटर, फिर प्रेस करता हूँ स्ट्रेट लाइन के लिए, पूरी लाइन लिया, पी एल एंटर, पी एल एंटर, ओके, F8 प्रेस करता हूँ यहाँ पे, F8, फिर स्ट्रेट लाइन के लिए F8 प्रेस करूँगा, ओके, यहाँ तक मेरे पास ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से जो मैंने काम करना है क्या करना है, कि मैं यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करता हूँ बैक साइड पे, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे, सिलेक्ट करता हूँ थोड़ा सा यहाँ से मूव करता हूँ ताकि इसका साइज ऐसा हो जाए। ओके, अब यहाँ से टॉप से मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ। ओके, और
यहाँ पे जी हमारे पास जिराट तैयार हो गए, लेकिन यहाँ से इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो आप यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा कम कर देंगे। देखें ये वाला साइज़ बड़ा है, तो साइज़ थोड़ा सा यहाँ से कम कर दें। ओके, अब यहाँ पे हमने जो काम करना है वो क्या हमने करना है कि हम यहाँ से इसको यहाँ से भी थोड़ा सा छोटा करें, और यहाँ पे अब हमने रिवॉल्व कमांड यूज़ करनी है, RV एंटर, सेलेक्ट करें स्पेस और इस कॉर्नर से टॉप वाले कॉर्नर तक लेके जाएं और उसको एंटर कर दें। ओके, तो हमारे पास ये रिवॉल्व कमांड अप्लाई हो गया। अब काम ये करना है कि आप इसको यहाँ से टॉप से फ्रंट व्यू में लेके आए इसको, बॉटम व्यू में देखता हूँ, बैक व्यू में यहाँ पे लेके जाएं इसको। बैक व्यू में आने के बाद यहाँ से इसको आप थोड़ा सा मूव कर दो इसको, मैं इसको थोड़ा मूव करें, एम एंटर, यहाँ से आप इसको 2D वायरफ्रेम लेके आए और REC एंटर करें रेक्टेंगल। साइज का थोड़ा छोटा करें, ओके। यहाँ तक ये काम करने के बाद आपने जो काम करना है वो क्या करना है जी, इसको मैं यहाँ से, ओके, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा करता हूँ बस, बल्कि यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं जो है तो दोबारा मैं इसको 3D व्यू में लेके जाऊँगा, होम के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से प्रेस पुल कमांड की मदद से यहाँ से पीछे लेके जाता हूँ और रियलास्टिक व्यू में यहाँ से अप्लाई करूँगा इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, रियलास्टिक व्यू अप्लाई करता हूँ। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि आप यहाँ से इंटरसेक्ट कमांड यूज़ करेंगे, IN एंटर, इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले, स्पेस, बल्कि स्पेस आपने नहीं प्रेस करना, सॉरी, IN एंटर सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें इस तरह का मेरे पास व्यू बन गया। ओके, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, अब सही है। अब जो काम करना है वो ये है कि आप इसको आप यहाँ से टॉप व्यू में लेके जाएं, यहाँ से मैं इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूँ, इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, एल एंटर, एल एंटर, यहाँ पे इसके मैं इस कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ तक मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, इसको मिरर करूँगा, मिरर के लिए MI एंटर, मिड पॉइंट से मिरर करें, F8 प्रेस करके स्ट्रेट लाइन के लिए। ओके, मिरर करने के बाद आप यहाँ से इसको टॉप व्यू में लेके जाता हूँ मैं, यहाँ से इसको मैं फ्रंट व्यू में या मैं फिर टॉप फ्रंट व्यू में देखता हूँ, बैक व्यू में यहाँ से लेके जाता हूँ इसको, बैक व्यू में आए, यहाँ से दोबारा 2D वायर फ्रेम, ओके, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करें, ए एंटर, F8, ओके। अब यहाँ तक काम करने के बाद दोबारा इसको 3D व्यू में लेके जाएं और ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ज्वाइन कमांड यूज़ करें, जे एंटर, इन सब को आप उसमें ज्वाइन करें, एक सर्कल ड्रॉ करें इसके बीच में, नॉर्मल सा सर्कल ड्रॉ करें छोटा सा, ताकि इसकी विड्थ, इसकी आप थिकनेस बढ़ा सकें, विड्थ। ओके, अब यहाँ से जो है तो मैं इसको स्वीप कमांड यूज़ करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, स्पेस प्रेस करके मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे देखें ये अप्लाई हो गया, और यहाँ से रियलास्टिक व्यू में लेके जाएं, ओके, यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसी प्रॉपर्टी में जाएं, इसके कलर को चेंज करने के लिए बाय लेयर में क्लिक करके, तो यहाँ से इसका कलर चेंज करें रेड। ओके, ज्वाइन करें इन दोनों को, ज्वाइन करने के लिए आपने इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए हमने ग्रुप इसको करना है, सिलेक्ट दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको ग्रुप करें, ग्रुप हो गया। अब इसको मूव कर दें यहाँ पे इसके अंदर, तो इसको मूव करने के लिए एम एंटर, इसको मिड पॉइंट से यहाँ से उठाएं, यहाँ से उठाता हूँ और
ओके तो यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास सही जी फिलामेंट बन गया, और इसको आप सही इसके मतलब इसमें सही रखने के लिए आप इसको यहाँ से इसको हाइड करें, फिर इसको थोड़ा सा मूव करें। ओके इसको यहाँ से थोड़ा मूव करें डाउन की तरफ, थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड पे और तो बैक पे। ओके यहाँ पे हमारा जी कंप्लीट हो गया जी हमारा व्यू। ओके तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक जी 3D बल्ब ड्रॉ हो गए। देखें इसमें फिलामेंट ट्यूब, फिलामेंट रॉड या ट्यूब आप कह सकते हैं, फिलामेंट हमने वो भी डाल दिया और ये कंप्लीट हमारे पास एक 3D बल्ब बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, और सॉरी नेक्स्ट लेसन में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट एक नया सॉफ्टवेयर मैं आपके लिए लेके आऊँगा और उस पर हम काम करेंगे, और वो इसी ऑटोकैड में काम करेंगे, और ऑटोकैड में हम ऑटोकैड 3D7 पे काम करेंगे, और उसके अलावा ऑटोकैड में आर्किटेक्चर भी काम करेंगे, जिसमें हम और भी मॉडलिंग करेंगे, होम मॉडलिंग करेंगे, होम के अलावा हम उसमें फर्नीचर एडजस्ट करेंगे, किचन वगैरह की मॉडलिंग करेंगे, तो ये सारे हम मॉडलिंग करेंगे उसके बाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक हमने जो कुछ सीखा आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की होगी, अच्छी तरह से आपने यहाँ तक काम किया होगा, और आप एक प्रोफेशनली मॉडलिंग 3D मॉडलिंग पे काम कर सकते होंगे, मैकेनिकल मॉडलिंग में काम कर सकते होंगे, और ऑटो कैड पे आप कंप्लीट, आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपको सामने नज़र आ रहा है तो आप उस पर काम कर सकते होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।